विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद अब सभी राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां लोकसभा के लिए। इंडिया गठबंधन 19 दिसंबर को अपनी बैठक कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग राज्यों के अंदर जा जाकर प्रचार प्रसार शुरू करती है। जिस तरीके से उनकी जीत हुई है उसके बाद उन्होंने उन्हीं राज्यों को प्रमुखता से चुना है, यानी कि कुल मिलाकर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की अलग अलग तैयारियां हैं। इसी बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने भी पिछले दिनों अपनी पार्टी की बैठक है वो लखनऊ के अंदर बुलाई थी और अपने नेता पदाधिकारियों को उन्होंने आवश्यक निर्देश दिए थे। ये भी जानकारी दी गई थी कि अब सारे जो आवश्यक निर्देश है वो आकाश आनंद की तरफ से दिए जाएंगे, क्योंकि अब वही भावी उत्तराधिकारी है, बहुजन समाज पार्टी के होंगे। इसी बीच हम आपको बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में एक सीट थी दिमनी, जहां से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़े थे विधानसभा का, और सांसद का वो वहां से वर्तमान में केंद्रीय मंत्री भी थे, सांसद भी थे, और इसी सीट पर बहुजन समाज पार्टी के बलबीर सिंह दंडोतिया चुनाव लड़े थे। हालांकि बलबीर सिंह दंडोतिया इस समय चुनाव यहाँ से हार गए थे और बलबीर सिंह दंडोतिया ने इस बार फिर से लोकसभा चुनाव लड़ने की भी इच्छा जाहिर की है। बलबीर दंडोतिया ने चुनाव परिणामों के बारे में और आपको बता दें कि आगे के भविष्य के बारे के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने साफ तरीके से ऐलान कर दिया कि अगर बहुजन समाज पार्टी उन्हें फिर से मौका देती है तो वो इस सीट के ऊपर यानी लोकसभा चुनाव के लिए ताल ठोकने के लिए तैयार है। हालांकि बलबीर सिंह दंडोतिया यहां पर कड़े मुकाबले में रहे और दूसरे नंबर पर रहे, लेकिन काफ़ी अंतर से वो आपको बता रहे कि चुनाव हार गए थे। इस बार उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने कहा कि अगर बहुजन समाज पार्टी उन्हें मौका देती है लोकसभा चुनाव लड़ाने के लिए तो वो आपको बता दें कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। अब आपको बता दें कि देखना दिलचस्प होगा कि क्या बहुजन समाज पार्टी बलबीर सिंह दंडोतिया को लोकसभा के लिए अपना टिकट देगी, प्रत्याशी बनाकर पार्टी मैदान में उतारेगी, ये आने वाले भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ। हालांकि जनवरी से लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियां कर देगी। जब सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था तो वो भी प्रथम सप्ताह के बाद ही जनवरी के अंदर 12 जनवरी के 2019 के अंदर हुआ था, तो 2024 की नई साल के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के जन्मदिन के आसपास अगर बीएसपी गठबंधन करती है तो उस पर भी साफ कर सकती है। मिलेंगे इस वीडियो अपडेटों के साथ। अब आप चले थे विदा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल।